बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा में करीब दो महीने पहले मनोहर लाल खट्टर की जगह बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। सैनी सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया, लेकिन चंद घंटे पहले हरियाणा में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिली है। हरियाणा की राजनीति में इस वक्त बड़ी खबर यह मिल रही है कि तीन निर्दलीय विधायक कांग्रेस के साथ चले गए। तीन विधायकों ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया है। रणधीर गोलन, धर्मपाल गोंदर, इन्होंने अपना समर्थन वापस लिया है। सोमवीर सांगवान वो तीसरे निर्दलीय विधायक जिन्होंने अपना समर्थन बीजेपी सरकार से वापस ले लिया है। रणधीर गोलन, धर्मपाल गोंदर, सोमवीर सांगवान, इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस के साथ अपनी निष्ठा जो है अब वो जता दी है। और ऐसे में हरियाणा विधानसभा मौजूदा नंबर गेम क्या है, जरा आप ये भी आप जान लीजिए, क्या किसी तरीके का कोई खतरा है सैनी सरकार को? तो कुल मिलाकर इन आंकड़ों को देखकर आपको तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए, कुल 88 सीटें हैं हरियाणा विधानसभा में, बीजेपी प्लस के पास 42 अभी नंबर है और कांग्रेस प्लस के पास 34 का नंबर है। अन्य 12 है जिसमें वो जेजेपी भी शामिल है जो पहले बीजेपी के साथ थी और जब समर्थन बीजेपी से वापस ले लिया उसने, उसके बाद ही ये हरियाणा की सियासत जो अभी पिछले दो महीने पहले ही गर्माई थी। तो कुल मिलाकर ये है हरियाणा में विधानसभा का मौजूदा नंबर गेम। आगे बढ़ेंगे, कुछ और जानकारियां आपको देते हैं। हरियाणा सरकार पर संकट क्यों नहीं है, अब ये जान लीजिए आप। दरअसल अभी मार्च के महीने में फ्लोर टेस्ट हुआ था, तो मतलब 6 महीने तक तो विश्वास मत की जरूरत नहीं है। 2 सीटों पर उपचुनाव अभी होना है और इतना ही नहीं, इसी साल अक्टूबर नवंबर के महीने में हरियाणा में लोकसभा चुनाव भी होना है। तो कुल मिलाकर सैनी सरकार के लिए, ये यूं कहें कि बीजेपी सरकार के लिए, हरियाणा में फिलहाल कोई दिक्कत वाली बड़ी बात है नहीं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद है। सचिन, हरियाणा में राज्य सरकार के लिहाज से बीजेपी को कोई खास बड़ी दिक्कत है नहीं, लेकिन सवाल ये कि बीच चुनाव में, और वो भी तब जब ये हरियाणा में तो वोटिंग होनी है, उससे पहले अगर निर्दलीय इस तरीके से बीजेपी से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस के पाले में जाते हुए दिख रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है क्या? जी रोमाना, देखिए ये सारी डेवलपमेंट जो हरियाणा में हुई है, इसके दो मायने हैं। एक है पॉलिटिकल मैसेजिंग, जो है पॉलिटिकल मैसेज क्या जाता है इन तीन निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस के साथ जाने से। तो कांग्रेस ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हरियाणा में कांग्रेस जो है वो मजबूत हो रही है और बीजेपी जो है उसको छोड़ के विधायक जो हैं वो जा रहे हैं। पर क्या सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से जो है बेशक बीजेपी लग रही है आज की डेट में कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है वो हो गई है, पर प्रैक्टिकली सरकार गिराना जो है कितना पॉसिबल है वो हमें देखना पड़ेगा। फ्लोर जो है, फ्लोर टेस्ट जो है, अगर होता है तो वहाँ क्या होगा, क्योंकि पिछली बार जब सरकार ने बहुमत साबित किया था उसमें जेजेपी की भूमिका बड़ी अहम थी। जेजेपी के 10 विधायक हैं और जेजेपी के 10 के 10 विधायक जो हैं, जो व्हिप जो जेजेपी ने जारी किया था, उनको एब्सेंट रहने के लिए कहा गया था। तो 90 विधायकों वाली असेंबली में 80 विधायक रह गए थे और बीजेपी के 41 एमएलए थे। तो ध्वनि मत से बीजेपी ने जो है विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया था। हालांकि जो लिस्ट जो एमएलए की थी कांग्रेस बीजेपी के पास जिनका समर्थन था, उसमें 41 बीजेपी के थे और 6 जो है निर्दलीय एमएलए थे और एक जो है गोपाल गोयल कांडा थे जो हरियाणा लोकहित पार्टी के हैं। तो बीजेपी के पास जो है ये समर्थकों का जो है एमएलए की सपोर्ट थी, पर अब जो है 3 विधायक जो हैं वो छिटक के कांग्रेस के पास चले गए हैं। रंजीत चौटाला जो इंडिपेंडेंट एमएलए थे वो जो है इस्तीफा दे चुके हैं। अब 2 इंडिपेंडेंट एमएलए जो हैं बीजेपी के पास हैं और गोपाल गोयल कांडा है, तो हाउस में बीजेपी के पास 43 एमएलए जो हैं बचते हैं अभी, क्योंकि हाउस की स्ट्रेंथ जो है वो 88 है। तो अगर 88 की स्ट्रेंथ पे अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो बीजेपी को 45 एमएलए जो हैं वो चाहिए बहुमत साबित करने के लिए। तो जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।